रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का बनारस में सोमवार को लोकार्पण करेंगे। सातवार और नौ त्योहार की विशेषता का शहर बनारस इस लोकार्पण को लेकर खासा उत्साहित है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इस कार्यक्रम को एक बड़े महोत्सव के रूप में तब्दील करने के लिए शहर को खूब सजाया है। माना जा रहा है जब ये महोत्सव ढलान पर होगा तब तक यूपी में माहौल चुनावी हो चुका होगा। ऐसे में जानकारी के मुताबिक मोदी और योगी सरकार की कोशिश है कि काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह से निकलने वाली हर तस्वीर धार्मिक माहौल के रंग से रंगी नजर आए और बनारस को पूरे देश के सामने धर्म और विकास के एक मॉडल के रूप में पेश किया जा सके, जिससे चुनाव पर इसका असर सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे। अमेठी में फिर चढ़ेगा सियासी पारा। राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा का 2 दिवसीय दौरा 18 से। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर से अमेठी की सियासत गर्म हो गई है। गांधी नेहरू परिवार के लिए कभी अभेद्य किला और कहे जाने वाले अमेठी के एक बार फिर से सियासी पकड़ मजबूत करने के लिए राहुल गांधी 18 व 19 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। पहले दिन लखनऊ से सड़क मार्ग होते हुए जगदीशपुर विधानसभा पहुंचकर क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। उसके बाद जामो में 5 किलोमीटर तक पदयात्रा निकालेंगे। राहुल गांधी गौरीगंज स्थित केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में रात्रि में विश्राम करेंगे। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश पर तीखा तंज। कहा चांद पर पहले पहुंचे व्यक्ति को समाजवादी न बता दे। विभिन्न परियोजनाओं पर अपना दावा कर रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव पर सरकार के प्रवक्ता व एमएसएमआई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने तीखा तंज कसा है। बोले कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ धाम को सपा सरकार की कैबिनेट ने पास किया था। वह चांद पर पहुंचे पहले व्यक्ति को समाजवादी बता दे तो ताज्जुब वाली बात नहीं होनी चाहिए। दरअसल सपा के हाथ से 2022 का चुनाव पूरी तरह से निकल गया है। भाजपा सरकार द्वारा 5 वर्षों में किए गए एक एक काम का अब लोकार्पण हो रहा है। कानपुर में बोले असदुद्दीन ओवैसी, मेरी मस्जिद शहीद हो गई और आंखें मूंदी रही सपा बसपा कांग्रेस। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मेरी मस्जिद बाबरी शहीद हो गई। जिन लोगों ने इसे कलंकित किया उन्होंने भारत की नींव और कानून के शासन को बाधित करने का काम किया है। क्या सपा बसपा या कांग्रेस में से किसी ने कुछ कहा? उन्होंने आंखें मूंद ली हैं क्योंकि वे मेरी मस्जिद थी, उनकी नहीं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को चुन्नीगंज स्थित GIC ग्राउंड में आयोजित जनसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में AIMIS 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत सपा सरकार ने की, अखिलेश यादव। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत अपने मुख्यमंत्रित्व काल में होने का दावा करते हुए रविवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए जनता को दूसरे मुद्दों में उलझा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी। हम दस्तावेज भी देंगे क्योंकि इस बार हम सबूत के साथ बात करेंगे। किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने को लेकर हुआ सवाल। कृषि मंत्री तोमर बोले राज्य सरकारें लेंगी फैसला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने रविवार को कहा कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किए गए किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने के बारे में संबंधित राज्य सरकारें निर्णय करेंगी। गुना हवाई पट्टी पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने किसानों की ओर से 1 साल से अधिक चले आंदोलन को समाप्त करने का भी स्वागत किया। किसानों पर आंदोलन के दौरान दर्ज प्रकरणों को वापस लेने के संबंध में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा यह राज्य सरकार की कानून व्यवस्था का मामला है, वही इस मामले में निर्णय लेंगी। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को माँ गंगा भी देंगी आशीर्वाद। काशी में कहा सुना जाता रहा है कि विष्णु पगा गंगा भी कभी बाबा विश्वनाथ को छूते हुए प्रवाहित होती थी। काल के प्रवाह ने उन्हें दूर कर दिया मगर समय चक्र बदला है। अब सदियों बाद वह जनश्रुति सच होने को है जब विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के दिन माँ गंगा भी वहाँ मौजूद दिखेंगी। वह मंदिर गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का पाद प्रक्षालन करेंगी। बाबा विश्वनाथ से गंगा के सीधे जुड़ाव के लिए एक पाइपलाइन बिछाई गई है। महाशमशान मणिकर्णिका से सटे ललिता घाट से मंदिर के गर्भगृह तक। आकांक्षा पेटी से यूपी की जनता का मन टटोलेगी भाजपा, लोगों की राय को करेगी मैनिफेस्टो में शामिल। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आम जनता तक पहुंचने के लिए तरह तरह की जुगत लगा रही है। इसी के तहत भाजपा 15 दिसंबर से एक नया कैंपेन शुरू करने जा रही है। इस कैंपेन को नाम दिया गया है सुझाव आपका संकल्प हमारा। इसके तहत भाजपा उत्तर प्रदेश की आम आबादी तक पहुंचकर चुनावी घोषणा पत्र के लिए उनकी राय लेगी। इस कैंपेन के दौरान भाजपा जहां कार्यक्रम करेगी वहां पर एक आकांक्षा पेटी भी रखी जाएगी जिसमें लोग अपना फीडबैक दे सकेंगे।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर नेपाल के अधिकारियों संग भारत की बैठक, क्या बनी रणनीति। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए रविवार को एसएसबी की 67वीं बटालियन हेडक्वार्टर दो मुहान घाट नौतनवा से भारत और नेपाल के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें चुनाव के दौरान आपसी सामंजस्य बनाकर गड़बड़ी पैदा करने वालों को चिन्हित कर कार्यवाही करने, सूचनाओं के आदान प्रदान एवं अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने पर सहमति बनी। बैठक के दौरान भारत नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए संवेदनशील रास्तों पर कड़ी नजर बनाए रखने का और उन रास्तों से अराजक तत्वों एवं घुसपैठियों, जाली करेंसी, अवैध शराब, मादक पदार्थ एवं अवैध असलहों पर कड़ाई से रोक लगाए जाने पर मंथन हुआ। देश भर में केंद्रीय विद्यालयों में खुलेगा कौशल विकास केंद्र, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ छात्र छात्राओं को रोजगार के योग्य बनाएं, इसके लिए देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा। इसकी शुरुआत केंद्रीय विद्यालय पीडीडीयू नगर में बने नव निर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह में जनवरी 2022 से होगी, ताकि युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार मिल सके। वह रविवार को पीडीडीयूआई नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में बनकर तैयार बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह के लोकार्पण अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि वहां उपस्थित छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।